हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है अष्टमी पूजा का वीडियो। तो अष्टमी के दिन मैं घर में पूजा कर रही हूँ, सारे सुबह का सारे काम खत्म कर ली हूँ और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग पूजा को एंजॉय कीजिए। और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस थोड़ा सा ही वीडियो बनाई हूँ क्योंकि बहुत ही बिजी थी मैं उस दिन। तो यहाँ पर पूजा खत्म करने के बाद मैं जाऊँगी मंडप में पूजा करने के लिए। तो चलिए अभी पूजा करते हैं, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वार्टर के बगल में ही है मंडप, वहाँ पे आए हैं हम लोग। तो मेरे घर में आए थे मेरे भतीजे, उसके बहू और उसकी भागनी मतलब भांजी, तो सब आए हैं यहाँ पे मंडप में पूजा वगैरह करके। वहाँ पे वीडियो शूट नहीं की हूँ, तो पूजा करके हम लोग घर आ गए हैं अभी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना सब्जी सब बना लिए थे, यहाँ पे इन लोग खाना खा रहे हैं सब, घर जाएंगे आज ही। उन लोग कल आए हैं सप्तमी को, तो सप्तमी के उन लोगों को हम लोग घुमा दिए सारे पंडाल, अभी इन लोग खाना खा के जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उन लोग खाना खा के आ गए हैं स्टेशन में, और स्टेशन में हम लोग आए हैं छोड़ने के लिए उन लोग को, और हम लोग अभी जाएंगे ट्रेन में। बस आज का कुछ इस तरह से थोड़ा ब्लॉग था। आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है नवमी दिन का पूजा, जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो मैं खुशी से ही पूजा करती हूँ। तो अभी तो क्वार्टर्स के सारे बच्चे लोग चले गए हैं अपने छुट्टी में अपने घर, तो इसीलिए मैं अपने दोनों बेटी का ही पूजा कर रही हूँ। जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह का, तो सारे पूजा पाठ मेरा हो गया है। और अभी मैं सारे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं बनाई क्योंकि अभी हम लोग को गांव भी जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी इन लोग का पूजा भी करा देती हूँ। तो देखिए, पहले चुनरी उन्नी उड़ा के पहले तो मैं पैर धो देती हूँ उन लोगों को, दोनों का पैर मैं धुला दी थाली में, उसके बाद कपड़ा से पोंछती, और उसके बाद जो अलता है उसको पहना दी। फिर इस तरह सा मैं उन लोगों को थोड़ा सा चंदन टीका फूल अल दे के आरती कर दी, और अभी उन लोगों को मैं खिला रही हूँ। आज पूड़ी और हलवा ही बनाई हूँ, चना का सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ क्योंकि अभी घर भी जाना है, फिर उतना सारा सा बनाना, फिर घर को पूरा अच्छे से साफ सफाई करके फिर जाना, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, बस हलवा बनाई हूँ और एक एक पूड़ी दोनों खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे। फिर यहाँ से फिर दूसरे घर अभी जाएँगे क्योंकि उन लोग भी इन लोग को बुलाया है कन्या पूजन के लिए, तो इसीलिए लोग भी जल्दी हो रहे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं खाएंगे, और क्योंकि दूसरे का घर जो बुलाए हैं उधर जाके भी खाएंगे ना, इसीलिए ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं एक एक पूरी और थोड़ा सा हलवा में दे रही हूँ। तो बस इस तरह से हमारा जो ब्लॉग था इस तरह से ही था।